हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, बिल्कुल आपके अपने भाई की तरह। आज हम लोग खेलने आ रहे कार सेलर सिमुलेटर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने अपना न्यू शोरूम एडिट किया और बढ़िया तरीके से उसको बनाया पूरा ग्लास का, और आज हम उसमें अपनी न्यू गाड़ियाँ लाकर उसमें बढ़िया गाड़ियों के जो सपोर्टर रहते हैं, जैसे कि उनमें रैक लगाते हैं, उन पर लाकर गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, फिर उनको बेचेंगे और देखते हैं आज के दिन कितने को डॉलर कमा पाते हैं। फिलहाल अपने पास है $50,000 है, और आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में कि ऑक्शन भी ओपन होने वाली है, लगभग 2 बजे ऑक्शन ओपन होगी। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने ऑफिस। आप लोग देख सकते हो भाई, ऑफिस एक तो गंदा बहुत हो रखा है, तो सबसे पहले हमें अपने ऑफिस की साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ अपना ऑफिस है, पूरा ग्लास का बना रखा है अपन ने, तो सबसे पहले अपने ऑफिस की साफ सफाई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम लोग। तो गाइज अभी मैंने अपने ऑफिस को पूरा क्लीन कर दिया, आप लोग देख सकते हो मेरे को स्किल पॉइंट्स भी मिल चुके हो। ये कुछ अपना ऑफिस हो चुका है अभी साफ सफाई करने के बाद। तो अभी हम सब गाड़ियां अपनी जो है फिक्स करने जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों को अंदर लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि नीचे जो है वो सस्ता सस्ती गाड़ियों का सेक्शन रखें ग्राउंड फ्लोर को, और फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग अपनी जो भी महंगी गाड़ियां सभी, जिस तरह जैसे ऑडी है, लैम्बोर्गिनी है, और फरारी है, और भी जो महंगी महंगी गाड़ियां होंगी उनको भाई अपन फर्स्ट फ्लोर पर रखेंगे। ये अपन ने लिफ्ट लगा रखी है जो कि अपनी गाड़ियों को पहुंचाती है फर्स्ट फ्लोर पर। और गाइस इसको पहले इस पर ऐसे गाड़ी को लोड करना पड़ता है अपनी लिफ्ट पर, और फिर आपको उतर के बताते हैं। यहाँ पर एक बटन बन रखा है जिससे कि लिफ्ट ऊपर नीचे होती है। ये गाइस देखो बटन है, इसको प्रेस करना पड़ता है। एक तो इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी बेकार हो चुकी है मेरे गेम की, तो इसको भाई थोड़ा ओके करना पड़ेगा हमें। लेकिन अभी इसका ऑप्शन आ नहीं रहा भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसकी, शायद मेरे को एक आध देखना पड़ेगा। अगर किसी को पता हो कैसे होता तो भाई मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज जैसे कि हम लोग आ चुके देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर पर, तो भाई कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं ओडी R8 को, और फिर हम ऊपर लेकर आएंगे लैम्बोर्गिनी को अपनी, और उसके बाद भाई और भी जो सुपर कार या स्पोर्ट्स कार महंगी महंगी व्हीकल होंगी उनको ऊपर ही रखेंगे, बाकी सब जो सस्ती व्हीकल है उनको भाई नीचे रखेंगे। तो गाइज अभी इस लिफ्ट को नीचे भी लेकर चलना, तो भाई जल्दी से इसको नीचे लेकर चलते हैं, फिर नेक्स्ट गाड़ी को भी लेकर आएंगे, और देखते हैं भी कौन सी इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है अपने पास। उसके बाद है अपने पास बाहर मेरे को अभी दिखाई दे रही है ओडी TT। तो ये गाइज थोड़ी सस्ती ही गाड़ी है, तो इसको गाइज हम ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, इसको गाइज नीचे ही रखेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे हम कमा नहीं पाएंगे, मतलब इसको नीचे ही रखते हैं। ये थोड़ी कम पैसे वाली, ये लगभग 70-80 हज़ार की बिकेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार की, मतलब इतने की बिकेगी। अब यार इसको फिर से थोड़ा आगे करना पड़ेगा, तो भी जल्दी से इसको लेकर चलते हैं अंदर, और भाई चले जा क्यों ना करे कर दी। तो गेट बड़ा छोटा है भाई, इससे बड़ा गेट इसमें है ही नहीं, मैं करूँ क्या। मैं सोच रहा था एक बढ़िया कंपार्टमेंट, और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अपने पास एक बंदा हायर हो जाए, तो अभी देखने चलेंगे अपन लोग। कार मार्केट के पास एक बंदा बैठता है भिखारी टाइप का, तो उसको ऑप्शन आता है शायद इस अपडेट के बाद, क्या पता आ गया ऑप्शन इसको हायर करने का। और एक भाई गैराज में भी बैठता है, तो उसको भी हायर करने का ऑप्शन आता है। तो फिलहाल अभी सभी गाड़ियों को मैं लगाता हूँ। अभी गाइज मैंने सभी गाड़ियों को बढ़िया तरीके से सेटल कर लिया, जो भी अपने पास अभी अवेलेबल थी अपने ऑफिस के बाहर, और कुछ गाड़ियां अपनी एक आध गैराज में रखी है, और कुछ गाड़ियां अपनी रखी हैं ऑक्शन के बाहर पार्किंग में। और भाई मेरे को ध्यान भूल गया था, अभी ऑक्शन भी चालू हो चुकी है, 2 बजे होनी थी, और 1 घंटा लेट हो चुका हूँ मैं। ओ भाई साहब 2-3 गाड़ियों की तो बोली हो भी चुकी है भाई, आप लोग देख सकते हो। तो अभी जल्दी से भाई चलते हैं, और जो बाकी की गाड़ियाँ बची उनको खरीद लेते हैं, अगर 1-2 गाड़ी मिलती है तो बढ़िया ही है। मैं सोच रहा हूँ कोई बढ़िया सी लैम्बोर्गिनी या फिर फरारी वगैरह आ जाए तो मस्त मज़ा आ जाए, और अभी देखते हैं कौन सी गाड़ी आती है इसके बाद। अभी टेस्ला आ रखी है, तो इसको गाइज मैं खरीद लेता हूँ आराम से, देखते हैं कितने को डॉलर अपने को मिलती है ये वाली, कितने डॉलर में। और अपन ने अभी तक 50,000 तक की बोली लगा दी भाई, लगभग 51,000 ही मान लो, 50,928 थी, और लो गाइज अपने 50,928 डॉलर में ये वाली गाड़ी खरीदो। भाई साहब लैम्बोर्गिनी कॉन्टैक्ट आ चुकी, बहुत ही बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया इस वाली गाड़ी को देख कर। आना वसूल हो चुका अपनी टिकट जो $300 की खरीदी, भाई इससे वसूल हो गई है, ये गाड़ी आ चुकी है इसमें भाई मस्त। इसको ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पर रखेंगे अपन बढ़िया मज़े से, और लो भाई इसकी बोली बहुत बढ़िया तरीके जल्दी ख़त्म भी हो चुकी है। अपने दोनों गाड़ियाँ एक टेस्ला और एक लैम्बोर्गिनी खरीद ली है, और भाई जो महंगी महंगी गाड़ियाँ उनको पहले टो कराकर मैं भिजवा देता हूँ अपने ऑफिस, और इसको भी भिजवा दिया। और अभी मैं सोच रहा हूँ ये तो पुरानी सी गाड़ी है, मतलब इसको भिजवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी फोर्ड मस्टैंग को भिजवा देता हूँ। लो जी गाइस अभी 3 गाड़ियाँ जो अपनी जा सकती थी उनको मैंने भिजवा दिया अपने ऑफिस में,
और हम भी अपनी फरारी पर बैठकर चलते हैं सीधा अपने ऑफिस, और जो गाड़ियां भी खरीदी हैं उनको भी बढ़िया तरीके से सेटल करते हैं, सभी गाड़ियों को लगाते हैं। ये देखो गाइस बाहर से शोरूम अपना दिखने लग गया है कि भाई कोई बढ़िया शोरूम है यहाँ पर। और बाहर से गाइस ये जो इन्होंने एडिट मोड दिया बहुत ही मज़ेदार है भाई, इससे अपने शोरूम को भाई चार चांद अपने पूरा ग्लास का बना लिया, तो दूर से दिखता है कि भाई यहाँ पर सुपर कार स्पोर्ट्स कार खड़ी हैं। तो अंदर अपने पास दो टोयोटा सुपरा ऑलरेडी खड़ी है, तो अभी इनको बेच देंगे हम जो भी सस्ती गाड़ियाँ हैं, और महंगी गाड़ियों का कलेक्शन अभी जारी रखेंगे, जिससे कि गाइस अपन बढ़िया बिगेस्ट कार कलेक्शन इस वाले गेम में भी रखे। अगर आप लोगों ने मेरा कार फोर सेल का अगर कार कलेक्शन देखा होगा, जो मेरे पुराने भाई लोग हैं जो मेरे प्रॉपर वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता होगा भाई, जो आपके भाई के पास कार फोर सेल में जो अपना कार कलेक्शन लगभग 200 गाड़ी है अपने पास, उसमें भाई कम से कम 1500-2200 भाई लैम्बोर्गिनी कॉन्टैक्ट है, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है, और भी गाड़ियाँ भाई उसमें भाई मैकलारन है, फरारी है, बुगाटी है, मर्सिडीज एएमजी G63 है, और भी बहुत गाड़ियाँ भाई। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो आपको उसी का ला के दिखाऊँगा मैं। तो अभी गाइस जो बाकी गाड़ियाँ लेकर उनको भी जल्दी से सेटल करते हैं, फिर आपको मिलता हूँ। तो गाइस का काम करते करते बहुत रात हो गई थी, तो गाइस अभी मैं आ गया था अपने घर पर सोने के लिए, तो अभी सोकर उठ चुका हूँ और अभी मैं चल रहा हूँ सीधा अपने ऑफिस। और गाइस आज के दिन भाई कुछ भी काम करने को नहीं है, ना ऑक्शन ओपन है ना फिर कार मार्केट, तो अभी सीधा अपने ऑफिस चलते हैं, जो गाड़ियाँ अपन ने खरीद रखी हैं ऑलरेडी उनको बढ़िया तरीके से सेटल करते हैं और उनको ही बेचते हैं, देखते हैं कितने को डॉलर हम कमा पाते हैं। अभी अपने पास है लगभग है 46 लाख डॉलर है। तो अभी गाइस जो कल गाड़ियाँ मैंने यहाँ से ऑक्शन से बाई की थी तो यहाँ पर जगह खाली होगी, तो अभी इनको टो कराकर भिजवा देते हैं अपने ऑफिस। और गाइस एक गाड़ी मेरी मर्सिडीज कूप है वो रखी है गैराज में, उसको भाई रिपेयर करने के लिए भिजवाया था अभी तक, और मेरा जाना उधर चक्कर लगा नहीं, तो भाई अभी उसको चलकर भी रिपेयर कराएंगे बढ़िया तरीके से। और गाइस अपनी फरारी की बहुत एक दो बार ठुक चुकी, तो इसको भी भाई रिपेयर करवाना है, तो अभी इन दोनों गाड़ियों को एक साथ ही रिपेयर करवा लेते हैं, अभी जा तो रही हैं। तो चलते हैं सीधा बहाते हुए अपनी फरारी को, सीधा पहुँचते हैं गैराज में और कालू भाई के पास चलकर इसको रिपेयर कराते हैं अपनी फरारी। भाई फायर फ्लेम का तो फैन हूँ यार मैं फरारी का, क्या ही फायर फ्लेम होते हैं इसके पटाखे। अबे भाई भिखारी मिलेगा, तो इससे चलकर बात करते हैं, भिखारी से अगर हायर आ रहा हो तो भाई मस्त मज़ा आ जाएगा अगर ये हायर हो जाए तो। गाइज और बाह हायर हो गया, तो गाइज अभी मैंने कर लिया है इस होमलेस को हायर, और भाई ये कल से काम पर आ जाएगा अपनी जॉब पर। और अभी ये फरारी को लेकर चलते, सबसे पहले मर्सिडीज कूप को भाई इसको लगा देते हैं रिपेयरिंग के लिए। भाई कितने डॉलर लोगे, अभी चलकर इससे बात करते, 880 डॉलर। भाई चार पांच चीज़ें इसमें जो है टूटी हुई हैं, तो इनको भाई रिपेयरिंग के लिए लगा दिया अपन ने। और अब अपनी फरारी को लेकर चलते, इसमें भी देखते हैं क्या कुछ काम होने वाला है। भाई इसका इंटीरियर भी आप लोग देख सकते हो, इसको भाई मैं बेचने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। अबे ये गाड़ी कहाँ से, अभी तो खाली बैठा था। अबे तेरी गद्दारी कर बे भाई साहब, एकदम से इसने गाड़ी बुला कैसे ली भाई, इसी बात पर इस वाले बंदे पे मेरे को इतना गुस्सा। अभी देखो अब गाड़ी चली भी गायब हो गई, देखो भाई इसने जल्दी रिपेयर भी कर ली। ये भाई किसी दिन मार खाएगा मेरे से बहुत भयंकर वाली। भाई अभी खाली हाथ बैठा था, मैं सोचा गाड़ी दूसरी वाली भी रिपेयर करा लूँ, और इतनी जल्दी उसने गाड़ी बुला ली थी। भाई अब तेरे ना चांटे चांटे बजाऊंगा किसी दिन। और चलो गाइस इसको 345, इसमें दो काम होने वाले हैं, एक तो राइट फेंडर है और लेफ्ट फेंडर है, भाई दोनों रिपेयर हो जाए फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं दोनों गाड़ियों को रिपेयर कराकर पहुंच चुका हूं अपने ऑफिस, और सभी गाड़ियों को अंदर करने वाला हूं, सभी को अपनी अपनी जगह पर फिक्स कर देते हैं बढ़िया तरीके से सेटल करके, फिर इनको बेचते हैं। अभी मैं अपनी मर्सिडीज को वहीं छोड़ा हूं क्योंकि ये टोइंग वाली जगह अभी खाली नहीं थी, तो अपनी फरारी को चलाकर यहां पर आ गया हूं, लेकिन अपनी जो मर्सिडीज थी अभी वहीं पर रखी, तो अभी यहां पर जगह खाली होगी तो उसको भी बुलवा लेंगे यहां पर। अभी जो ये अपनी टेस्ला भाई इसको यहाँ पर फिक्स कर देते बढ़िया तरीके से, और अपनी एक और गाड़ी रखी है बूटल, वो भाई उसको ले जाकर कहाँ पर रखूँ, जगह नहीं है उसको रखने की, तो शायद से अपने को उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा या बाद में उसको फिक्स करें, क्या यार सोच रहा हूँ उसको बाद में बेचेंगे। अभी फ़िलहाल अपने पास जितनी गाड़ियाँ उनको बेच लेते हैं, जो अपनी फर्स्ट फ्लोर पर उनको बिल्कुल नहीं बेचेंगे, जो अपने पास ग्राउंड फ्लोर पर सस्ती गाड़ियाँ लगी उन्हें सबको बेच देंगे। तो गाइस सबसे पहले टोयोटा सुपरा दो दो अपनी ऑन सेल ऑलरेडी हो रखी है, अभी अपन ने ऑफिस को ओपन नहीं कर रखा, तो अभी इस वाली गाड़ी को भाई जल्दी से लगा देते हैं। 55,000 डॉलर का मैंने लगा दिया अपनी ऑडी टीटी को, और इसके बाद देखते हैं कि कौन सी गाड़ी है। और अब आ चुकी पोर्शे गाइस, 1,80,000 की अपन ने खरीदी थी, और इसको मैं सोचा 2,80,000 का लगा देते भाई, ज़्यादा रेट में तो बिकेगी नहीं, अपन ने थोड़ी महंगी ले ली थी ये क्योंकि भाई और कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसी गाड़ी को खरीद लिया। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो होगा अपन को, लगभग 40-50 हज़ार एक का तो हो जाएगा।
तो इसके बाद गाइस आ चुकी है ये वाली गाड़ी। इसको मैं लगा देता हूँ $80,000 का। और भाई कर दिया है इसको ऑन सेल फोर्ड मस्टैंग को। और इसके बाद भाई टेस्ला है तो इसको भी भाई करते हैं। 50,000 की खरीदी थी तो लगभग 1.5 लाख में भी तो बेचेंगे भाई बिल्कुल आराम से। और इसको भी भाई कर दिया। तो इसके बाद लैम्बोर्गिनी कॉन्टैक्ट है, इसको तो नहीं बेचने वाला। तो भी जो जो भी गाड़ियाँ नीचे की साइड थी उन सबको मैंने ऑन सेल कर दिया। और गाइस हमको अभी अभी सभी गाड़ियों को भाई वॉश भी करना है, उनको बढ़िया तरीके से साफ करके भाई गाड़ियों को ग्राहकों के आगे प्रेजेंट करेंगे। और इस गाड़ी को जल्दी साफ करते हैं। तो लो गाइस इस गाड़ी को मैंने साफ कर दिया बड़ी बढ़िया तरीके से। और फिर बाकी गाड़ियों को इसके बाद साफ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले गाइस हम अपने ऑफिस को ओपन कर देते हैं। क्योंकि जब तक ऑफिस ओपन नहीं हुआ तब तक कस्टमर आना स्टार्ट नहीं होंगे। तो अभी गाइस मैंने ओपन कर दिया और बाकी गाड़ियों को भी वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कस्टमर का वेट करते हैं कितनी देर में कस्टमर आता है। और गाइस अभी मैं पोर्शे को साफ कर ही रहा था और कस्टमर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी जल्दी से चलकर कस्टमर से डील करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा गाइस कस्टमर कभी कभी नाराज हो जाते हैं और बिना गाड़ी खरीदे ही चले जाते हैं दूसरे शोरूम पे। तो ऐसे ऐसे अपनी गाड़ियों की रेटिंग भी गिरती है, तो ऐसा अपने को होने नहीं देना है। तो भाई जल्दी से इन भाई साहब से बात करते, आ तो चुके भाई, इनसे तो बात हो ही नहीं रही, ये गाड़ी में घुस चुके हैं। थोड़ी गाड़ी अपनी डिसबैलेंस हो चुकी है तो रैक से नीचे आ चुकी है। तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो अभी, ये मैडम आ रखी हैं, इनसे बात करते हैं। तो चलो गाइस इनसे जल्दी टॉक करते हैं। और 1,30,000 की मैंने ये वाली गाड़ी लगा रखी टोयोटा सुप्रा, और ये मेरे को पे कर रही 88,000। तो गाइस अच्छे खासे ये डॉलर मेरे को पे कर रही हैं, लेकिन इनको मैं थोड़ा बार्गेनिंग करके थोड़े से पैसे बढ़ाकर बोल दें, $99,000 मैंने इनको कह दिया है और ऑफर कर दिया है। और लो जी गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने पहली गाड़ी अपनी नए ऑफिस की बेच ली है, बहुत ही बढ़िया है। तो अभी टेस्ला की बारी है, देखते हैं भाई टेस्ला के ये कितने डॉलर अपने को पे करते हैं। और हमने लगा रखी ये वाली गाड़ी $1.5 लाख की भाई, 55,000 इतने की तो 50 की तो अपने खरीदी है भाई, कम से कम 70-80 दोगे तभी तो बेचूंगा, इतने कम में मैं कैसे बेच दूंगा। छोड़ो टेस्ला को बाद में बेच लेंगे, अभी इन टोयोटा सुपरा लेने आई है ये मैडम जी। वो भाई 92,000 दे रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट है अपना। और 1,05,000 कह दूं कि कितना कह दूं यार, मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, 1,05,000, 1,05,000 कह देता हूँ, देखी जाएगी जो होगा, शायद से खरीद ही लेंगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा अपना। तो मैंने $1,05,000 को ऑफर कर दिया है, और जहाँ तक ही खरीद लेंगी। लो जी गाइस बेच दी हमने ये वाली गाड़ी। तो गाइस अभी नेक्स्ट गाड़ी पर आ चुके हो, ये मैडम जी खरीदने आई है पोर्शे। तो जल्दी से इनसे डील करते, देखते हैं कि ये कितने का अपने पे कर रही भाई। हो गया टॉक, चलो चलो जल्दी से इनसे डील करते हैं। और मैंने इसको 2,80,000 रुपये की लगा रखा है पोर्शे को, और ये मैडम जी अपने को 2,23,000 भाई बढ़िया पे कर रही है। तो 2,50,000 मैंने इनको ऑफर कर दिया है, बार्गेनिंग कर दी। और भाई देखते शायद से ओ भाई क्या बात है, अपने ये वाली गाड़ी भी बेच दी है, बहुत ही बढ़िया डील रही अपनी। अभी नेक्स्ट गाड़ी देखते किसका नंबर आता है। तो गाइज अभी ऑडी TT के कस्टमर बहुत ज़्यादा थे, तो मैं इस वाली गाड़ी के पास आ चुका हूँ भाई। जल्दी से इन भाई साहब से बात करते। अरे अबे गाइस ये पता नहीं क्या ही ग्लिच हो रहा है, देखो गाइस अभी कार का ही ऑप्शन आ जा रहा है भाई, बंदा नाराज होकर जा चुका है। अभी दूसरे बंदे से जल्दी से डील कर लेते, बताना ये भी चला जाएगा तो अपनी गाड़ी कौन खरीदेगा भाई। जल्दी से इनसे बात कर। भाई ये 38,000 भाई बहुत ही कम पे कर रहे हैं। तो 4,40,000 मैंने इनको, 44,000 सॉरी कह दिया है मैंने गलती से, 4,40,000 कह दिया, 44,000 उन्होंने खरीद ली, बहुत ही बढ़िया डील रही। और ये टेस्ला के कस्टमर आ चुके, जल्दी से इनसे डील करते हैं। और अभी शायद से थोड़े ज़्यादा पे कर दें तो भाई इस गाड़ी को भी मैं बेच दूंगा। ओ भाई अच्छे खासे डील आ चुकी, 63,000 ये कह रहे, तो इनको मैं 70,000 का ऑफर कर देता हूँ, शायद से ये आराम से खरीद लेंगे अपनी गाड़ी। ओ भाई ये वाली गाड़ी भी बिक चुकी है अपनी। तो गाइज अभी गाड़ियाँ बेचते बेचते रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका, आप लोग देख सकते हो बाहर का कुछ ऐसा सीन हो चुका। और अभी अपना ऑफिस क्लोज करने का भी टाइम हो चुका है, तो अभी आपको एक बार अपना फर्स्ट फ्लोर दिखा देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर तो अपना खाली हो चुका है, ये देख सकते हो भाई, बस एक ही गाड़ी बची, उसको अपन कल बेच लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी गाड़ियाँ लाएंगे तो उनको भी बेचना ही है अपने को। अभी आपको चलकर अपना फर्स्ट फ्लोर दिखा दो, यहाँ पर अपनी सुपर कार स्पोर्ट्स कार खड़ी है, ये देख सकते हो गाइज अपने पास कितनी सारी, 2 ऑडी R8 है और 2 लैम्बोर्गिनी है कॉन्टैक्ट, एक अपने पास पहले से थी और ब्लैक वाली आज हमने खरीदी है। तो अभी इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, जो भी बढ़िया कमेंट होगा उसको मैं पिन करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बढ़िया से न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।